द केरल स्टोरी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बैन कर दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब देश के अन्य हिस्सों में यह फिल्म शांति से चल रही है तो इन्हीं दो राज्यों में बैन क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म देखना है या नहीं यह फैसला जनता का है और इसे जनता तय करेगी। इसी बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि मैं ममता बनर्जी से पूछती हूं कि जिस फिल्म में आतंकवादी संगठनों का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहा है, उसका समर्थन करने के बजाय आतंकवादी संगठनों का समर्थन क्यों कर रही है। और इसी के साथ यह फिल्म द केरला स्टोरी की कमाई लगभग 100 करोड़ के पास पहुंच गई है। इस फिल्म को हरियाणा में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। वैसे अगर आपको फिल्म का रिव्यू एक शब्द में करना हो तो आप क्या कहोगे, कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।